नमस्कार, पार्लियामेंट्री बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नहार। आप देख रहे हैं बुलेटिन खबरें दिन भर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आईटीओ पर हुआ टकराव, पुलिस बरसा रही आंसू गैस के गोले, हाथों में लाठियां लेकर अड़े किसान। किसानों की ट्रैक्टर परेड हुई बेकाबू, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आईटीओ पर हंगामे के बीच ट्रैक्टरों से लाल किले पहुंचे किसान, लहराए झंडे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन को खराब करने वाले लोग राजनीतिक दलों के हैं। आईटीओ पर हंगामे के बीच ट्रैक्टरों से लाल किले पहुंचे किसान। कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने कहा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, कृषि विरोधी कानून वापस लो, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सिंघू बॉर्डर पर हृदयगति रुकने से एक किसान की हुई मौत, सोनीपत का रहने वाला था किसान। वहीं आईटीओ के पास डीडीयू मार्ग पर ट्रैक्टर ड्राइवर की हुई मौत, ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के परेड के साथ साथ दिल्ली में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, जिसके लिए बकायदा प्लानिंग की गई थी और रूट वगैरह पहले से ही तय किया गया था। लेकिन मंगलवार को कुछ अलग ही तस्वीर दिख रही है। दिल्ली हरियाणा के बीच की सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों ने कई जगह पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ और पैदल ही मार्च करते हुए आगे निकलने की कोशिश की। किसानों की कुछ जगहों पर पुलिस के साथ झड़प देखने को मिली और पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हजारों प्रदर्शनकारी किसान जुटे हुए थे, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने के बाद किसानों की रैली शुरू होने वाली थी, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसान आउटडोर रिंग रोड पर रैली निकालने की जिद कर रहे थे। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने यहां पर पुलिस बैरिकेटिंग हटा दी और हाथों में तिरंगा लिए हुए पैदल ही आगे बढ़ गए। कुछ ऐसे ही हालात टीकरी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर भी देखे गए। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के कुछ समूह पुलिस के अवरोध को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। इसके बाद ये किसान काफी समय तक मुकरबा चौक पर बैठे रहे, लेकिन फिर उन्होंने वहां लगाए गए बैरिकेड्स और सीमेंट के अवरोधक तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद किसानों के समूह पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को उग्र रूप ले लिया। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान जमकर बवाल किया और तय रूट से हटकर सेंट्रल दिल्ली में दाखिल हो गए। इसी बीच किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर लाल किले में घुस गए। भारी संख्या में ट्रैक्टर लाल किले पहुंच चुके हैं। किसान लाल किले के मैदान में जमे हुए हैं। लाल किले पर पुलिस बल भी मौजूद हैं। हालांकि पुलिस बल ने किसानों के खिलाफ अब तक यहाँ कोई बल प्रयोग नहीं किया है, कोई बड़ा प्रयोग सामने नहीं दिख पाया है। पुलिस दिल्ली में बवाल कर रहे किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान कई जगहों पर किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़पें भी दिखाई दी। पुलिस ने आईटीओ पर उग्र प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। किसान की ट्रैक्टर परेड शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही दोपहर में लाल किले में 20 से ज्यादा ट्रैक्टर घुस गए। प्रदर्शनकारी किसान हाथों में तिरंगा झंडा लेते हुए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। किसानों ने अपना झंडा भी लाल किले पर फहरा दिया। जानकारी के मुताबिक आईटीओ पर अब हालात काबू में आ गए हैं। किसान ट्रैक्टर लेकर आईटीओ से रेड फोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर समेत किसान लाल किले पर पहुंच गए हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली की सड़कों पर उत्पात का रूप ले चुकी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मंगलवार को हिंसा हुई। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हिंसा की निंदा की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की तरफ से भी ट्वीट कर अपील की गई है कि हिंसा को रोक दें, हिंसा से कोई भी हल नहीं निकलेगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर उत्पात की स्थिति देखने को मिली।
मिली। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर आईटीओ समेत अन्य कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई। देश ने आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक विजय चौक पर देश की आन बान शान का शानदार नजारा देखा गया, जहां भारत की अनूठी एकता में पिरोई विविधताओं वाली विरासत, आधुनिक युग की उसकी उपलब्धियां, भविष्य के भारत का खाका और देश की सुरक्षा करने की फौज की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ भव्य परेड देखी। इस बार COVID-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी मेहमान या अतिथि शामिल नहीं हो पाई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर एक संदेश भी लिखा। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन ने गणतंत्र दिवस परेड में करतब दिखाए, लेकिन इस बार तो यह नज़ारा और भी खास रहा, क्योंकि इस बार की परेड का समापन एक खास विमान के करतब से हुआ। हाल ही में भारत की वायुसेना में शामिल हुए राफेल ने खास करतब वर्टिकल चार्ली परफॉर्म किया। इससे पहले यह करतब हर बार सुखोई विमान करते हुए नजर आते थे। चूंकि इस बार हमारे पास बेहतरीन राफाल फाइटर जेट मौजूद है, इसलिए करतब इसके जरिए हुआ। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर पहली बार लड़ाकू विमान राफेल ने करतब दिखाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर भारतवासी के लिए यह बड़े ही गर्व की बात थी। राफेल ने 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। राफेल को स्क्वाड्रन लीडर किशले कांत के साथ शौर्य चक्र विजेता 17 स्क्वाड्रन ने कमांडिंग अफसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह उड़ा रहे थे। इस दौरान राफेल के साथ साथ MiG-29 और 2 जैगुआर विमान भी नजर आए। राफेल ने इस बार वर्टिकल चार्ली परफॉर्मेंस से अपना करतब दिखाया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गन्ने की छिलाई कर रहे बुजुर्ग मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया। वहीं बाघ के हमले से मजदूर की मौत हो गई। शिकार करने के बाद बाघ गन्ने के खेत में छिप गया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल मामला थाना हजारा क्षेत्र के गांव नहरोसा का है, जहां वर्ष 2021 में बाघ के हमले की यह पहली घटना है। आपको बता दें कि यहां गन्ने के खेत में छिलाई का काम हो रहा था। वहां दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान गन्ने के अंदर से बाघ अचानक सामने आ गया। शोर शराबे के बीच काम कर रहे कल्लू और हसीबुद्दीन नाम के मजदूर वहां से भागने लगे, पर इसी दौरान कल्लू का पैर फिसल गया और वहीं गिर गया। बाघ ने कल्लू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाघ से बचने के लिए छटपटाते हुए कल्लू ने कई बार प्रयास किया, पर वह नाकाम रहा। इसी दौरान बाघ ने अपना निवाला कल्लू को बना लिया। इसके बाद बाघ कल्लू के शव को लेकर जाने लगा, तो पीछे जुटे साथी मजदूरों ने ट्रैक्टर से लामबंद होकर शोर शराबा करते हुए मृतक के शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाया। अफरा तफरी व शोर शराबे के बीच बाघ गन्ने के खेत में जाकर छिप गया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये जिनके साथ घटना हुई है, ये आपके साथ काम कर रहे थे? हाँ, गन्ना छील रहे थे। हाँ, कैसे, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हमारे लोगों के साथ गन्ना छील रहे थे, वहाँ पड़ते ही दम से निकल पड़ा। अब हम भागे, नहीं भाग कर लूँगा, वो भगा गिर गया, उठा लिया थे। अच्छा, वो भागे तो गिर गए? हाँ, गिर गए थे, तो उनको उठा के लेके चला। हाँ, पहले झपटा हम पर था। अच्छा अच्छा, हाँ, झपटा आपके ऊपर था? ऊपर था, हम भागे तो बहुत गिर गए, उन्हीं को कब्जा कर लिया, धीरे धीरे थे। अच्छा अच्छा, फिर आपने आगे बाहर क्या किया? हाँ, हम लोग इधर भागे, हम चले आए, फिर उन्होंने उठा के गन्ना लेके चला गया, हम उठ के इधर भागे चले आए। फिर आप लोगों ने शोर मचाया? हाँ, फिर शोर मचाया। मृतक का क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है मैलानी का बताया जा रहा है, अभी तो चूंकि मैं जाँच ही कर रहा हूँ, उसका कल्लू ऐसे करके कुछ नाम बताया गया है जी। पर इनके अभी स्टेटमेंट पूरे लिए जाएंगे, या दो लोग जो हैं जिन्होंने देखा भी है जी, उनका स्टेटमेंट लेते हुए और अपनी जांच को, जो साथ में 2 आदमी थे, हाँ, तो इसको कंपेंसेशन ही दिलाया जा सकता है जी। तो उसका प्रावधान है हमारे यहाँ जी, 5 लाख रुपए जो है जी, तो कंपेंसेशन दिलाया जाएगा जी। लेकिन इससे पहले मेरी पूरी जाँच और आख्या
शासन में भेजी जाएगी। ठीक, संभव कोशिश यही होगी जल्द से जल्द इसको कंपनसेशन। ठीक सर, धन्यवाद धन्यवाद। अलीगढ़ में अधिकारियों के द्वारा राशन की कालाबाजारी पर लगाम लगाने की लाखों कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी राशन की कालाबाजारी करने वाले तस्करी पर प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। यही कारण है कि हर रोज राशन की कालाबाजारी की सूचनाएं आम बात हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास की चौकी बेसवा क्षेत्र का है, जहां उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर राशन के 400 बोरे चावल से भरे ट्रक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक कोतवाली इगलास के गांव तेहरा निवासी हरवंश सिंह पुत्र भीष्म सिंह का है। वहीं पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी कुलदेव सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक ट्रक जिसमें राशन के चावल भरे हुए थे वह दिल्ली जा रहा था। सूचना मिलने पर ट्रक को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ट्रक अलीगढ़ के लोदा क्षेत्र का है। वहीं डीएम से अनुमोदन के बाद मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। ये कल मुझे एक सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर हमने ये ट्रक पकड़ा है और ये चौकी इंचार्ज हमारा बेसवा उनको हमने भेजा था इसके लिए, तो उनके द्वारा ये गाड़ी पकड़वा के फिर हमने यहाँ थाने पे खड़ी करवा दी। इसमें 400 कट्टे हैं और ये मशीन की सिलाई के हैं और सरकारी मानक का भी है, तो इससे स्पष्ट है कि ये सरकारी राशन का ही वो है चावल, जिसको कि पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से दिल्ली ले जा रहा है वो सामान। और ये गाड़ी जो है कोई हरवंश कुमार है इगलास तहसील के, इनकी गाड़ी है ये। इस पर जो ड्राइवर है वो लोदा थाने में है, जगतपुर का, वहाँ का है ये। तो इस पर हमने अभी डीएम सर को भी रात में ही बता दिया था और अभी फाइल इनकी जा रही है, इसका परमिशन लेके तीन बटे के साथ के अंतर्गत इनकी कार्रवाई कराई गई है। यूपी के पीलीभीत जिले में 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ रिजर्व पुलिस लाइन में मनाया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने ध्वजारोहण कर जवानों को सलामी दी। इसके पश्चात पुलिस लाइन में स्कूली छात्र छात्राओं ने भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। आपको बता दें कि आज पूरे देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। इसके पश्चात जिलाधिकारी पुलकित खरे ने स्कूली छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया, साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने सभी का मन मोह लिया, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कड़ाके की ठंड में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ बलिया जनपद के सुखपुरा से बासढी तक रैली निकाली। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज देश में गणतंत्र दिवस है पर गण पर तंत्र हावी हो गया है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए देश को गुलाम बनाया गया था, उसी तर्ज पर आज देश का बादशाह देश को देसी विदेशी कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाना चाहता है। राम गोविंद चौधरी ने आगे कहा कि 100 किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवा दी है, पर सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने को नहीं आया। सरकार की मजबूरी ये है कि किसान चंदा वोट खरीदने के लिए नहीं दे सकते, कॉरपोरेट घराने कंपनी को पैसा देते हैं, चाहे उनकी सरकार नहीं है चाहे मेलों की खरीद की सरकार अपनी बना लेते हैं, चुनाव में पैसे का अपार खर्च करते हैं, तो वो खुद कॉरपोरेट घरानों के बंधक में हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजपथ पर आज प्रधानमंत्री को ट्रैक्टर रैली में शामिल होना चाहिए था? ये आश्चर्य है कि 100 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन एक भी कोई सरकार का आदमी या भारतीय जनता का आदमी ने दुख प्रकट नहीं किया है न श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए था राजभवन के बाद? पहले जाना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को किसानों के पास, जब किसान कह रहा है कि एक कानून हमारे लिए डेथ वारंट है, तो सरकार क्यों जीत पर कहियो कि नहीं ये किसान आपके हित में है। आज जाना चाहिए, राजपथ को भी जाना चाहिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें पार्लियामेंट्री बिजनेस के साथ। नमस्कार।